साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। बेटे ने पिता की गर्दन रेत कर की नृशंस हत्या, बचाने दौड़ी मां और नाना पर भी साबड़ और चाकू से किया जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में लावारिस लाशों की मसीहा शालू सैनी समाज सेवी ने रविवार को एक और लावारिस लाश का किया अंतिम संस्कार। उन्नाव के चार मोहल्ले में अभी नहीं मिलेगा शुद्ध पानी, आदर्श नगर पंप हाउस की मोटर खराब, 10 दिन से पानी को तरस रहे 10,000 लोग। फिरोजाबाद में 15 अगस्त को 3.90 लाख झंडा फहराया जाएगा, 210 स्वयं सहायता समूहों को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी दी। पूर्व विधायक विजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार, 1 लाख के इनामी विष्णु मिश्रा को एसटीएफ ने पुणे में दबोचा। बमबम के जयकारों से गूंजा बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर, सावन का दूसरा सोमवार, जलाभिषेक को उमड़ा शिव भक्तों का हुजूम। देवरिया में बीमारी से तंग बुजुर्ग ने लगाई फांसी, 3 वर्ष पूर्व ट्रेन से कटकर पत्नी ने की थी आत्महत्या। आंधी बारिश ने उड़ाई शहर की बिजली, अधिकांश मोहल्लों में पूरी रात नहीं रही बिजली, तेज बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। कावड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी और एम्बुलेंस में टक्कर, हादसे में 11 कावड़िए हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। भड़काऊ पोस्ट करने पर 5 पर मुकदमा दर्ज, देवबंद की 5 साल पुरानी वीडियो को किया था वायरल, पुलिस के खंडन के बाद भी नहीं हटाई पोस्ट। वोटर कार्ड को आधार से किया जाएगा लिंक, अंबेडकर नगर में 18 लाख मतदाता हैं, 1 अगस्त से चलेगा अभियान। जनप्रतिनिधियों के साथ हर घर तिरंगा की रूपरेखा तैयार, डीएम के साथ हुई मीटिंग में मौजूद रहे मंत्री सांसद और सभी विधायक। वन महोत्सव अभियान को स्वास्थ्य विभाग दे रहा दगा, सीएचसी सेंटर पर भेजे गए पौधे रखे रखे सूख गए, कागजों में हो रहे पौधारोपण। बदायूं में साप्ताहिक बाजार में बिक रही शराब, 3 गिरफ्तार, पैट में व्यापारी बनकर पहुंचे थे तस्कर, घरेलू सामान की आड़ में बेच रहे थे जहरीली शराब। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश घायल, 18 से अधिक मामले दर्ज। झांसी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, काफी समय से बीमार चल रहा था, पुलिस ने शुरू की जांच। रात 2:30 बजे तक शिफ्ट चौक पर डटे रहे एसएसपी, मुजफ्फरनगर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर सुरक्षा के प्रति चौकन्नी, पुलिस शिवालयों में लगी भीड़। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पेट्रोल पंप पर नशे में धुत युवकों ने किया भद्रता विरोध, करने पर बरसाए घूसे। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 15,000 का इनामी गिरफ्तार, पुलिस ने पैर में मारी गोली, दबोचा सुनार के साथ की थी लूट। ग्रेटर नोएडा में बारिश में किया गया अंतिम संस्कार, शमशान घाट में टीम शेड न होने से डीजल डालकर किया अंतिम संस्कार। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से लोकतंत्र और होगा मजबूत, अयोध्या आने का दिया निमंत्रण। मिर्जापुर आरपीएफ ने मौलवी को हिरासत में लिया, 8 बच्चों को बिहार से कर्नाटक ले जा रहा था, परिजनों को दी गई सूचना। एटा में अवर अभियंता निलंबित, कार्य की शिथिलता पर हुई कार्रवाई, पोल में उतरे करंट की चपेट में आया था कावड़िया। वैश्य महासम्मेलन वृंदावन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का हुआ आयोजन, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी हुए शामिल। 30 घंटे तक मरे हुए युवक को जिंदा करने के लिए किया गया तंत्र मंत्र, शव अस्पताल से घर लेकर आए परिजन, तांत्रिक बोला जिस सांप ने काटा उसी से जहर खिंचवाएंगे। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने मारी टक्कर, 8 यात्रियों की मौत। 30,000 की आबादी में 1 डिस्पेंसरी, वो भी बंद, आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ी 50 वर्ष पुरानी बिल्डिंग, दोबारा बनाने की नहीं मिली एनओसी। पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी सुशीटा गोली लगने से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार साथी फरार। सुल्तानपुर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने लड़के को पूछा, नहीं मिलने पर पिता को मारी गोली।
घंटाघर के पास जर्जर बिल्डिंग गिरने से दिव्यांग की मौत। 2 घंटे रेस्क्यू करके मलबे में दबे दिव्यांग को निकाला गया बाहर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हाथरस में कावड़िए पर हुए हादसे को लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन हुआ चौकन्ना। सुरक्षा को लेकर की गई मजिस्ट्रेटों की तैनाती। आगामी त्योहार को लेकर अमेठी कोतवाली में आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक। लोगों को शांति एवं सौहार्द त्योहार मनाने के लिए दिए संदेश। औरैया में मंकी पॉक्स बीमारी लक्षण वाली महिला सामने आई जिससे मचा हड़कंप। चिकित्सा अधिकारी बचाव के साथ रहने के दिए दिशा निर्देश। भगवा कपड़ों में 2 मुस्लिम भाइयों ने तोड़ी 3,000 चादरों को जलाया। एडीजी बोले कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने की कोशिश। गाजीपुर में देर रात्रि होटलों और ढाबों में पुलिस चेकिंग से मचा हड़कंप। एसपी ने औचक जांच की पुष्टि की, बताया आईजी महोदय के निर्देश पर। अमेठी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने स्मृति की बेटी पर लगाए थे आरोप। गोरखपुर में भूमि विवाद को लेकर सिपाही ने चलाई गोली, 3 घायल एक गंभीर। हरदोई के श्री शिव संकट सकाहा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का दिलाया भरोसा। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में पकड़े 7 आरोपी। वारंटियों को पकड़कर भेजा सलाखों के पीछे। प्रतापगढ़ में न्यायालय के आदेश पर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई में अवैध शराब और उपकरण किए गए नष्ट। प्रयागराज में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर विभिन्न शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। अध्यात्म की नगरी, संगम नगरी हुई शिवमय। रामपुर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मंदिरों पर देखने को मिली भक्तों की भीड़। भक्तों ने मंदिरों में किया जलाभिषेक। संभल में सरकारी तंत्र पूरी शिद्दत और श्रद्धा से कांवड़ियों की सुरक्षा सेवा में रहा मुस्तैद। सड़कों पर शिव भक्तों के साथ शिव भक्तों की निगरानी भी कर रहा। अलीगढ़ में आगरा की तरफ से आ रही वॉल्वो बस पीछे से ट्रक में घुसी, 2 यात्रियों की मौके पर दर्दनाक मौत। अमेठी में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बदमाशों ने दुकानदार की जेब से 45,000 निकालकर मौके से हुए फरार। अयोध्या में सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में दिखी भारी भीड़। राम की नगरी बाबा भोलेनाथ की जयकारों से गुंजमान हुई। गोंडा में सावन माह के सोमवार और मोहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। पैदल गश्त करके क्षेत्र का लिया भौतिक जायजा। हमीरपुर में बाइक सवार युवक की हुई मौत। गर्भवती पत्नी को युवक लेकर गया था अस्पताल। रास्ते में गिट्टी के ढेर में जा गिरा था युवक। कन्नौज में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, हुई फायरिंग। घटना में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में पुरानी जर्जर इमारत गिरी। मलबे में 3 से 4 लोग दबने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस टीम राहत कार्य में जुटी। लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों के ट्रैक्टर की चपेट में आने से 1 की मौत। 1 छात्र गंभीर रूप से घायल। नोएडा के वी ब्लॉक मार्केट एसी के शॉप पर युवकों ने दुकान में घुसकर जमकर की मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली टावर पर चढ़कर युवक ने किया ड्रामा। टावर के ऊपरी छोर पर लगा है बिजली का हाई टेंशन तार। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का आतंक जारी। बदमाशों ने ईंट भट्टे के चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। घटना की जांच में जुटी। संभल के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष के घर पर पड़ोस के लोगों ने किया हमला। हमले में 5 लोग हुए घायल। श्रावस्ती में शिव मंदिरों पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। भीड़ देखते हुए प्रशासन अलर्ट। हमीरपुर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ससुरालियों ने नाराज होकर छत पर चढ़ी और कूदने का किया प्रयास। स्कूल बस की चपेट में आने से मासूम की मौत। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। आजमगढ़ का है मामला। भड़ल चौकी पर अधिकारियों ने कांवड़ियों का किया स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शिव भक्तों को भेंट किया तिरंगा। 24 घंटे में 3 रेप की FIR। ममेरे भाई ने लूटी बहन की आबरू। घर में अकेली महिला से जीजा साले ने किया रेप।
महोबा में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। वायरस के नाम पर 2000 रुपए का किसान से लिए बिना पैसे काम करने का आरोप। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चोरों का आतंक जारी, मरीजों के मोबाइल चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अब्बास अंसारी की तलाश में दबिश तेज, कोर्ट से निकला गैर जमानती वारंट। पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और मऊ में छापे मारे। फतेहपुर में ग्रामीणों ने मवेशियों को पानी टंकी परिसर में किया बंद, फसलें बर्बाद होने से थे परेशान, प्रशासन से की गौशाला में रखने की मांग। हरदोई में हाईवे पर घायल अवस्था में मिला हिरन, सड़क किनारे पड़ा देखकर लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, शाहबाद में चल रहा इलाज। अमेठी में दबंगों ने दंपत्ति और बेटियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, दबंगों की पिटाई से दंपत्ति और बेटियों के घायल होने के बाद दी तहरीर। पीलीभीत में ग्रामीणों ने सब्जी चोर को पकड़ा, आधी रात को खेत से लौकी चुराने गया था युवक, रखवाली कर रहे किसान ने रंगे हाथों दबोचा। कावड़िया मार्ग का निरीक्षण करने अमरोहा पहुंचे DIG, कावड़ियों से जाना सुरक्षा व्यवस्था का हाल, अफसरों को दी नसीहत। प्रयागराज में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वार्ड में शॉर्ट सर्किट, वार्ड में भर्ती थे 10 बच्चे, सभी को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कांवड़ यात्रा का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, हेलीकॉप्टर रवाना। थाने में मनाया आरोपी का जन्मदिन, 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, SHO के ऑफिस में काटा केक, बाहर पुलिस वालों ने खिंचवाई फोटो। अमरोहा में टेम्पो और स्कूटी की टक्कर, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराए दोनों वाहन, कांवड़ियों की मौत, 5 घायल। रामपुर में फर्जी वकीलों पर होगी FIR, बार और लॉयर्स एसोसिएशन वकीलों की ID कार्ड चेक करेगी। हापुड़ में गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, 12 लाख का सामान जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पीलीभीत में मनचले से परेशान छात्रा ने दी जान, पिता बोले 1 साल से बेटी के पीछे पड़ा था, रोज स्कूल आते जाते समय करता था परेशान। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं।